अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हेड से दुनाई पे हैं। अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए हेड से दुनाई पे आया हूँ। और ये ब्रिज काफ़ी पुराना ब्रिज है, दरियाए रावी के ऊपर मौजूद है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस ब्रिज का एक मंजर और फिर डिटेल वीडियो हम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे इस वक्त पानी का काफ़ी ज़्यादा अखराज हो रहा है और पानी बड़ा मज़ेदार तरीके से आबशार, एक मसनू आबशार की तरह गिर रहा है। मैं आपको बताता हूँ बाद में कि ये आबशार किस तरह से बनी है और ये है क्या चीज़ असल में। लेकिन बड़ा मज़ेदार मंजर है। और यहाँ पे मैं अभी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा पूरे का पूरा ब्रिज का मंजर, इस पूरे हेड का मंजर, और यहाँ से किस तरह से पानी जो है वो नहरों को सप्लाई किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे के पूरे ब्रिज का, इस पूरे के पूरे हेड से धाई का मंजर। अस्सलाम वालेकुम, ये है हेड से दुनाई। फैसलाबाद से मुल्तान की तरफ जाते हुए रास्ते में दरिया रावी के ऊपर ये हेड से दुनाई का ब्रिज है। और काफ़ी पुराना पुल है जो कि काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल भी हो चुका है। बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का अखराज इस वक्त हो रहा है। जब हम शुरू में आए थे तो वहाँ पे स्पिल ओवर खुला था, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा पानी की आवाज़ भी आ रही थी। अब यहाँ पे नीचे जो हमारे पुश्ते हैं वो बंद किए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वहाँ यहाँ से खारिज नहीं हो रहा, लेकिन पिछले पुश्ते जो थे वो खुले हुए थे। और यहाँ पर फिर पानी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ये देखें ये पुश्ते यहाँ पर खुले हैं और कितनी तेज़ रफ्तारी से पानी यहाँ से निकल रहा है और ये पानी इधर दरिया रावी में जा रहा है। मौसम भी आज बड़ा मज़ेदार है और बादल हैं, बेहतरीन किस्म के बादल हैं। आसमान देखें, बड़े ज़बरदस्त बादल हैं। बड़ा एंजॉय करने वाला मौसम है। तकरीबन पुल के दरमियान में आ चुके हैं और पुश्ते यहाँ पे खुले हैं। पिछला भी खुला था और यहाँ पे भी पुश्ता जो है वो खुला है और पानी काफ़ी तेज़ी से यहाँ से खारिज हो रहा है। मैं पुल के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहा हूँ और ये सारा का सारा हेड से दुनाई। अगर आप इस साइड पे देखें तो इस साइड पे भी दूर दूर कहाँ देने का आपको पानी नज़र आएगा। धुंध भी है हल्की फुल्की, धुंध कह लें इसको या स्मोक कह लें, स्मोक है काफ़ी। अभी धुंध तो शुरू नहीं हुई। आज 22 नवंबर है, 22 नवंबर 2020 है, अभी धुंध शुरू नहीं हुई, अलबत्ता स्मोक है काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। और स्मोक की वजह से आपको दूर, बहुत ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। सड़क पर ट्रैफिक भी काफ़ी है जो कि पुल के ऊपर से गुजर रही है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे ज़्यादा पानी का खराज नहीं है, पुश्ते यहाँ पे उतने नहीं खुले हुए, थोड़े हैं। ऊपर ये जो एक नहर नुमा ये सिस्टम है जो कि दरिया से पानी उठाता है, मोटरों के ज़रिए पानी दरिया से उठाया जाता है और इस आप लोहे की नहर कह सकते हैं, लोहे की नहर में डाला जाता है और फिर यहाँ से ये पानी आगे जो बड़ी नहरें हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ से ये पानी पूरे इस रीजन के ज़रई इलाकों को सैराब करता है। ये यहाँ पे पानी शायद ज़्यादा हो गया है और ये नहर से पानी उल्टा नीचे दरिया में दोबारा गिर रहा है। ये देखिए बड़ा मज़ेदार सा मंज़र है, एक आबशार की तरह ये पानी इस लोहे की नहर से नीचे गिर रहा है। वीडियो में तो शायद आपको वो फीलिंग महसूस ना हो लेकिन बहुत ही मज़ेदार मंज़र है यहाँ पे। ये देखें इधर देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार मंज़र है और बड़े मज़े की आवाज़ आ रही है पानी की गिरने की। यहाँ पे ये घास फूस पत्ते और दीगर चीज़ें इकट्ठी हुई हैं और ये देखें ये पानी सारे का सारा नीचे गिर रहा है। ये हम एंड पे पहुंच गए हैं पुल के, टूल प्लाज़ा है, तहसील कौंसिल कबीरवाला, खुदा हाफिज़ और आगाज़ हदूद डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिन। ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा बोर्ड कि ये आगाज़ हदूद है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिन की और यहाँ पे कबीरवाला की तहसील जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये दूसरा बोर्ड है, खुदा हाफिज़ तहसील कौंसिल कबीरवाला, कबीरवाला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये जनाब हमारा पूरे का पूरा हेड से धनाई का ब्रिज है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब। ये देख लें ये पानी अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, तो पानी गिर रहा है नहर के ऊपर से वापस दरिया के अंदर पानी गिर रहा है। नहर बिल्कुल लबालब भरी हुई है। ये एक लोहे की नहर है जो कि दरिया में से निकाल के पानी जिसके ऊपर से गुज़रता है और फिर ये आगे नहरों की तरफ, बड़ी नहरों की तरफ चला जाता है। और ये देखें ये नीचे से पानी जो आ रहा है बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ, पुश्ता थोड़ा सा खुला है और बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ पानी वहाँ से खारिज हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये मंज़र मज़ेदार भी लग रहा होगा और यहाँ पे आने का दिल भी कर रहा होगा। ये अब हम उतर के आ गए हैं इस साइड पे और ये देखें इधर वाला मंज़र ज़्यादा मज़ेदार है। आबशार नुमा सिस्टम हो चुका है सारा और पानी सारे का सारा गिर रहा है इस लोहे की नहर से वापस दरिया के अंदर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बहुत ही लाजवाब। मैं बहुत दफ़ा इधर आ चुका हूँ लेकिन इस किस्म का मंज़र पहली दफ़ा है कि पानी इतना ज़्यादा है कि वो नहर के ऊपर से नीचे वापस दरिया में गिर रहा है, बहुत ही लाजवाब। ये दरिया रावी है और हेड से धनाई का ब्रिज, हेड से धनाई है, हेड से धनाई का ब्रिज है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक आते आते उधर अगर देखें तो उधर ये मंज़र अवेलेबल नहीं था लेकिन इधर आए हैं तो ये आबशार का मंज़र बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार आबशार का मंज़र है। यकीनन आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, मुझे रिकॉर्डिंग में नहीं अंदाज़ा हो रहा कि आवाज़ कितनी आ रही है इस पानी की लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ है इस पानी की, इस आबशार की, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। कुदरती आबशार का मज़ा भी तकरीबन ऐसा ही होता है जैसा ये
ऑटोमेटिकली पानी गिरने से आबशार बन गई है, बहुत लाजवाब। तो ये है जी हमारा हेड सदनाई, हमारे इलाके में आता है पीर माल से तकरीबन ये कोई 60-70 किलोमीटर के फासले पे है। मेरा ताल्लुक पीर माल से है, तो आज हम इधर आए थे पिकनिक मनाने के लिए बच्चों के साथ, तो उसके साथ साथ ही आपके लिए ये एक मंज़र मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। अब वापस मैं आज जा रहा हूँ अब ब्रिज की दूसरी साइड पे, और मैं आपको दूसरे सड़क के दूसरे किनारे पे लेके आता हूँ जहाँ से ये इधर सारा मैकेनिकल सिस्टम है जिसके ज़रिए पुश्ते वगैरह खुले जाते हैं और बंद किए जाते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये पानी सारे का सारा यहाँ पे रोका गया है, और ये नीचे पुश्ते हैं जिनके नीचे से पानी तेज़ी से खारिज हो रहा है। पानी जो इधर दरिया से आता है ये सारे का सारा इन पुश्तों के ज़रिए यहाँ पर रोका जाता है, और उसके बाद इन पुश्तों की मदद से फिर पानी जो है वो दूसरी साइड पे छोड़ा जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम है ये, वो पुलियाँ हैं जिनके ज़रिए इन पुश्तों को, इन मैकेनिकल पुश्तों को खोला और बंद किया जाता है। सारे ब्रिज के ऊपर ये खारदार तार लगी हुई है ताकि कोई बंदा गलती से भी इस साइड पर गिर ना जाए, चला ना जाए। और ये सारे का सारा बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिकल सिस्टम है। हेड सदनाई दरिया रावी के ऊपर वाक़ है, और ये फैसलाबाद से जब मुल्तान की तरफ जाते हैं तो उस सड़क पे आता है। फैसलाबाद से तकरीबन इसका सफ़र जो है वो 150 किलोमीटर है, और यहाँ से मुल्तान तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर रह जाता है। ये दरिया रावी का मंज़र है, और ये आ गया जी हमारा टोटल ब्रिज हेड सदनाई। पहले मैं दूसरी साइड पे गया था और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह पुश्तों से जो पानी निकल रहा है वो कैसे, कितनी तेज़ रफ्तारी से निकल रहा है, और जो ऊपर एक आर्टिफिशियल नहर बनाई गई है उसके ऊपर से किस तरह से पानी वापस दोबारा दरिया में गिर रहा है। और ये दूसरी साइड है, इस दूसरी साइड पे आपको सारे का सारा मैकेनिकल सिस्टम नज़र आएगा, मोटरें लगी हुई हैं, पूरे का पूरा मैकेनिकल निज़ाम लगा हुआ है जिसके ज़रिए जो पुश्ते हैं उनको खोला और बंद किया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये आ गया जी। तो देखें यहाँ पर पानी की आवाज़ भी ज़्यादा है, और यहाँ पर पानी का जो इखराज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे पुश्ता ज़्यादा खुला हुआ है। आगे चलते हैं। इस वक्त हल्की हल्की फोग है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये स्मोग है, फोग नहीं है, स्मोग है, क्योंकि अभी धुंध पड़ना शुरू नहीं हुई, और इस स्मोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा धुआं मिक्स है, और मेरे सांस के ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि धुआँ बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है। यहाँ पर ये देखें कि दरिया में से जो घास फूस और पत्ते आते हैं वो यहाँ पे इन पुश्तों के अंदर आके रुक जाते हैं, इनकी बाद में सफाई भी की जाती है। आई थिंक इनको स्पिल वेज कहा जाता है, जहाँ से पानी निकल के जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इधर भी हर स्पिल वे के पास काफ़ी ज़्यादा घास फूस पत्ते जमा हैं। पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, वो दूर तक जा रहा है। यहाँ पे जाने की इजाज़त हुआ करती थी किसी ज़माने में, यहाँ पे लोग जाके आगे तक दरिया के अंदर खड़े हो सकते थे, लेकिन अब ये सारा का सारा बंद कर दिया गया है, अब इधर नहीं जाने देते। ये गेट है छोटा सा, इस गेट से मेरा ख्याल है कि अंदर जाने, बिल्कुल इस गेट से अंदर जाने का रास्ता था यहाँ से, और वहाँ से उतर के नीचे जाया जा सकता था। जब मैं छोटा था मुझे याद है एक दफ़ा हम गए भी थे, लेकिन अब जो के हालात उस तरह के नहीं रहे, इस वजह से ये सारा सिस्टम बंद कर दिया गया। लोगों की एक्सेस जो है वो यहाँ पे अब उस तरह से नहीं है। अलबत्ता वो एक सड़क है, उस सड़क के ज़रिए आगे तक जाया जा सकता है। मैं अभी आपको लेके चलूँगा उस सड़क पे भी। और ये आ गया टूल प्लाज़ा, यहाँ पे इनका कंट्रोल रूम है, यहाँ पे इनके दफातर हैं, ये इधर रेस्ट हाउस है, सरकारी रेस्ट हाउस है। यहाँ पे लोग सरकारी जो मेहमान हैं वो आते हैं, बैठते हैं,
उनकी खातर तवाज़ो की जाती है। ये इनका कंट्रोल रूम है सारे का सारा, यहाँ पे इनके ऑफिसर्स बैठते हैं। ये सारे का सारा यहाँ पे मंजर है। ये दूसरी सड़क है, इस सड़क पे हम दरिया के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। पहले हम मेन ब्रिज के ऊपर थे, अब ये दूसरी साइड है। यहाँ से नहरों को पानी सप्लाई किया जाता है। अगर आप देख लें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद है। ये सारी की सारी मशीनरी जो है नीचे पुश्ते लगे हुए हैं, उन पुश्तों के ज़रिए पानी इधर इस साइड पर जा रहा है और यहाँ से पानी मेन बड़ी नहरों को सप्लाई किया जाता है। अगर आप देखें तो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ से पानी बहुत तेज़ी के साथ निकल भी रहा है और ये फिर आगे नहरों में जाता है। ये नहरों वाला पानी फिर आगे पंजाब के ज़्यादातर हिस्से को सैराब करता है। यहाँ पे नीचे उतरा जा सकता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल खुली हैं कि बंद हैं, खुली हैं सीढ़ियाँ, खुली हैं। यहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतर के आगे जाया जा सकता है। ये एक स्लोप बनी हुई है। आगे चलते हैं। ये स्लोप का रास्ता खैर बंद किया हुआ है और यहाँ पे भी सीढ़ियाँ, खारदार तारें लगी हुई हैं जगह जगह पे रास्ते बंद करने के लिए, लेकिन बहरहाल ये खारदार तारें अब उस तरह से खुली हुई नहीं हैं। मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ियों से और अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है। जो पानी दरिया से पुश्तों के ज़रिए नहरों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, ये देखें और ये देखें, यहाँ से पानी जो है पुश्तों से निकल रहा है और ये पानी सारा नहरों की तरफ रवाना है। बहुत ज़बरदस्त मंज़र है और बहुत मज़ा आ रहा है इस सारी जगह पे। चलो जी, यहाँ से अब ये एक, खैर हर जगह पे अब तो खारदार तारें लगी हुई हैं, हर जगह पे रास्ते बंद किए हुए हैं। यहाँ पे लोगों के खड़े होने के लिए जगह थी किसी ज़माने में, जहाँ से लोग मंज़र देख सकते थे, लेकिन अब ये सारा कुछ खारदार तारों की वजह से बंद है। हर जगह पे रुकावटें हैं, दहशतगर्दी ने हर जगह पे लोगों की नकलो हरकत को मुश्किल बना दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त चल रही है और काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, कह रहे हैं कि शायद परसों से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी जाएं, स्कूल शायद बंद हो जाएं, होटल्स वगैरह ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। और ये है जी हमारा पूरे का पूरा हेड से दनाई। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियोस में दोबारा मुलाकात होती रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेड से दनाई का ये मंज़र शायद पहले YouTube के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मज़ीद इस किस्म की वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल का आइकन जो है उसको क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक का हजूम है, मौसम काफ़ी बेहतर है और इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को हेड से दनाई के इस ब्रिज से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बच्चे आराम से बैठी हैं, आप भी बैठे शाबाश आराम से। हाँ जी, आपने क्या खाना है? फिश खानी है? किधर से होके आए हो? किधर से होके आए हो? हेड से दनाई से होके आए हो? किधर से होके आए हो? सही बताओ।
हेड सदनाई से। उधर क्या क्या देखा, उधर आपने क्या क्या देखा है? स्लाइड भी थी, और पानी भी था, दरिया भी देखा, ब्रिज भी देखा। ब्रिज ब्रिज पे ही तो गए थे, सारा सारा ब्रिज ही था। हाँ जी, इधर से कार गुजर के आई है, देखा है। और बस और क्या खाया? चावल खाए हैं, हैं? नीमको भी खाई है। नीमको किधर से मिली है? नहीं, नीमको ली थी। वो कहाँ से मिली थी? आप ही के पास थी। अच्छा, और फिर क्या खाया बताओ? चावलों के साथ क्या खाया? ठीक है, और कबाब नहीं खाए आपने? कबाब नहीं खाए आपने? कबाब खाए क्यों? अच्छा, उसने भी नहीं खाए। चलो फिर पिकनिक पूरी हो गई आपकी? पिकनिक बना ली है पूरी? मज़ा आया पिकनिक पे? चलो शाबाश, बाय बाय करो। बाय आप भी करो। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।